अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज के सीरीज आगे क्या होने वाला है, ये समर्पित है देश के सबसे वरिष्ठ और शतवर्षीय श्री काशीनाथ नारायण पंडित की भविष्यवाणियों पर आधारित है ये पूरा एपिसोड। और आज के इस एपिसोड में श्री काशीनाथ नारायण पंडित ने देश में भविष्य में होने वाली यानी बहुत निकट भविष्य में यानी 3 से 4 महीने के अंदर कुछ ऐसी बड़ी घटना होने वाली है जिसके बारे में उन्होंने हमें भी बहुत ही अचानक ये भविष्यवाणी बताई है। और उनकी भविष्यवाणी को हम इस कार्यक्रम के साथ जोड़ भी रहे हैं। कुछ दर्शकों को, चूंकि वो बुज़ुर्ग हैं और उनके कुछ शब्द जो हैं वो बहुत स्पष्ट नहीं सुनने में आते हैं, तो इसलिए पहले हम उनकी भविष्यवाणी को सार संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और बाद में उनकी भविष्यवाणियों का जो एपिसोड है उसको भी हम इसी एपिसोड के साथ संलग्न कर रहे हैं, तो आप उसे भी देखिएगा। लेकिन काशीनाथ नारायण पंडित ने आगे क्या होने वाला है में भारत को सावधान किया है, साथ ही साथ सत्ता पक्ष को बहुत सावधान किया है। और सारे देश में उनका कहना है कि इस समय जो देश विरोधी शक्तियाँ हैं वो पूरी तरह से फैल चुकी हैं, देश में कभी भी कुछ हो सकता है। आप इस भविष्यवाणी का उपहास उड़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये बात हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। लेकिन जो दर्शक सावधान रहना चाहते हैं, सतर्क रहना चाहते हैं, उनके लिए ये एपिसोड विशेष रूप से समर्पित है। तो अपनी लेटेस्ट भविष्यवाणी में काशीनाथ नारायण पंडित जी ने एक बार पुनः जो राशि क्षेत्र है, राशि क्षेत्र यानी जो हमारे ग्रह और राशि क्षेत्र है उसके अनुसार जो घटना होने वाली है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि एक विशेष प्रकार की ऐसी घटना बन रही है जो कि राज्य के अंदर क्रांतिकारी नहीं बल्कि विनाशकारी घटना का योग बना रहा है। और इसीलिए मैं ये भविष्यवाणी बहुत सूक्ष्म रूप से बता रहा हूँ। राजकारण का ग्रह सूर्य और सूर्य जो ग्रह है वो ग्रह सिंह राशि में आया है 16 अगस्त के दिन और उसके सामने शनि का भी गोचर हुआ है। तो शनि और सूर्य जब मिल जाते हैं तो सत्ता पर जो लोग काबिज होते हैं उनके लिए ये बहुत विनाशकारी होता है, उनके लिए ये एक बड़ी समस्या आती है। तो काशीनाथ नारायण पंडित जी ने अपनी इस भविष्यवाणी के पहले भाग में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि लोग तो ये समझेंगे कि ये प्रदर्शन हो रहा है, क्रांति हो रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन और क्रांति नहीं होगा, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी आपदा लाने वाला होगा। इसे आप क्रांति मत समझें, इसे आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मत समझें। यानी जो भी अब होने वाले हैं इस समय देश में आंदोलन जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लड़े जाएंगे, और किसानों का जो आंदोलन तथा कथित रूप से अभी निकलने वाला है, जो शंभू बॉर्डर खोलने की बात कही जा रही है, उसको लेकर के काशीनाथ नारायण पंडित जी ने बहुत सावधान किया है। उन्होंने अपने कम ही शब्दों में बहुत सारी बातें बता दी हैं और उनका कहना है कि शनि और सूर्य के कारण ऐसी युति बन रही है जिसके कारण जो प्रदर्शन के नाम पर जो भी उत्पात मचाए जाएंगे वो देश के लिए बहुत विनाशकारी होने वाला है। इसको लोग कहेंगे क्रांति हो रही है लेकिन ये विनाश का एक बहुत बड़ा संकेत होगा। और इस कारण जो सत्ता पक्ष में है यानी केंद्र सरकार और जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर तो संकट आएगा ही, और साथ ही जिन पार्टियों की जिन राज्यों में सरकारें वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो जो लोग भी सत्ता पक्ष में हैं, चाहे वो राज्य में है चाहे केंद्र में है, उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो श्री काशीनाथ नारायण पंडित जी कह रहे हैं कि ऐसे षड्यंत्र बनाए जा रहे हैं जिसमें देश के नेताओं को, बड़े नेताओं को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनके ऊपर प्राणघातक संकट भी आ सकता है। वो कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं को खत्म करने के लिए षड्यंत्र किए जा चुके हैं और ये षड्यंत्रकारी किसी भी नेता की हत्या करने का प्रयास करेंगे। और ये शनि सूर्य का ऐसा योग जो इतिहास में भी जब भी बना है तो ऐसे योग में नेताओं के ऊपर और जो प्रशासन होता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होने की आशंका बनती है। तो इस तरह से उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सारे देश में अपना जो उनका संरक्षण दल यानी कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसको चुस्त दुरुस्त रखने की बात कही है। और उन्होंने कहा है कि सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाई जाए और देश के अंदर भी जो देश विरोधी शक्तियाँ हैं और आतंकवादी हैं और कट्टरवादी जो तत्व हैं वो देश में पूरी तरह से फैल चुके हैं। कभी भी घमासान हो सकता है, ये बात हम आपको इसलिए बार बार चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं क्योंकि यदि आप आज सावधान नहीं रहे तो कल फिर आपको इसके लिए प्रायश्चित ही करना पड़ेगा, पश्चाताप ही करना पड़ेगा।
काशीनाथ नारायण जी ये भी कह रहे हैं कि अंदर अंदर ये सारे षड्यंत्र अब एकदम फाइनल स्टेज पर आ चुके हैं और 16 अगस्त से ये देश विरोधी जो लोग हैं वो पूरे देश में सक्रिय हो चुके हैं। और इसके बाद मंगल और राहु के साथ जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा उसके कारण भी देश में उग्र स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। देश की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि देश की सीमा पर भी बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और उनका ये भी कहना है कि चीन एक बहुत बड़ा धोखा देगा, उसने जासूस पूरे देश भर में फैला दिए हैं। श्री काशीनाथ नारायण पंडित जी के अनुसार सारे देश में इस समय भारत में चीन के जासूस जो है फैल चुके हैं और वो देश के पल पल की जानकारी देश विरोधी तत्वों को साझा कर रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ये घुसपैठ हो चुका है और अगर आप इसमें संभलते नहीं हैं तो ये आपके लिए बहुत संकट लाने वाला क्षण हो सकता है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से हमें जो देश विरोधी घुसपैठिए हैं उनसे सावधान रहना है और वो देश के सैनिकों के प्रति भी बहुत ही एक तरह से चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि जहाँ पर ये सैनिक रहेंगे वहाँ पर तो षड्यंत्र नहीं होगा, लेकिन जहाँ एक सैनिक इधर से उधर होता है वहाँ पर जो है घुसपैठ हो जाएगी। तो उनका ये भी कहना है कि ये सबसे बड़े षड्यंत्र का जो समय आया है और इसमें दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि अगले 4 महीने के अंदर ऐसा कुछ हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो कि ऊपर से तो मित्रता का दिखावा करेंगे लेकिन बाद में वो ऐसे ही लोग आपको धोखा दे देंगे। और इसी प्रकार से उन्होंने विपक्ष के लोगों को लेकर के भी केंद्र सरकार को सावधान किया है। श्री काशीनाथ नारायण जी का कहना है कि विपक्ष में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधि में संलग्न हैं, वो किसी का नाम नहीं लेते हैं, बस विपक्ष की ही वो बात कह रहे हैं। तो अब इस तरह के लोगों को खोजना केंद्र सरकार का काम है, इंटेलिजेंस सर्विसेज का काम है। और ये जो 4 महीने आने वाले हैं यानी ये जो अगस्त 16 अगस्त से 16 सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये दिसंबर 16 दिसंबर तक का जो समय रहेगा वो बहुत विपत्ति लाने वाला है और जो देश के प्रधान हैं यानी प्रधानमंत्री हैं उनकी सुरक्षा को भी बहुत बड़ा संकट आ सकता है। और जो माफिया हैं, डॉन हैं, गुंडे हैं, ये देश को बिगाड़ने के लिए अब अपना षड्यंत्र पूरी तरह से रच चुके हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात पे और भी एक तरह से चेतावनी दी है कि जो ड्रग जो जो नशीले पदार्थ जो पुलिस की तरफ से जब्त किए जाते हैं इनका कहीं जो है दुरुपयोग हो रहा है क्योंकि ये ड्रग उनके कहने का अनुसार ये है कि ये ड्रग जलाए नहीं जाते, नष्ट नहीं किए जाते बल्कि इनकी दोबारा तस्करी कर दी जाती है। तो उनका ये भी कहना है कि नशे का ये जो पूरा खेल है ये भी एक तरह से देश को बहुत बड़े संकट में डालने जा रहा है। और साथ ही साथ वो फिर एक बार पुनः सत्ताधारी पक्ष के लिए शनि सूर्य का योग बहुत अच्छा नहीं बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि प्रजा में यानी युवाओं में ड्रग को लेकर के काफ़ी इस तरह की चीज़ें होंगी और उनको बरगलाया जाएगा और ड्रग खिला करके उन्हें देश विरोधी दंगों में सम्मिलित किया जाएगा। तो उनका ये कहना है कि हमें अपने जो इंटेलिजेंस है उसको बहुत ही सक्रिय रखना होगा और पल पल पे आपको सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। तो हम आपसे भी यही अनुरोध करेंगे, हमारी बातों को हल्के में ना लें, हमारा कोई भी इससे कोई भी हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती है कि हम आपको डरा दें और आपको विचलित कर दें, आपको जीवन से थका और हारा महसूस कराएं, ऐसा हमारा कोई आशय नहीं है। जो दर्शक लंबे समय से हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं कि हमारा क्या आशय है। आप भी यदि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि देख रहे हैं अपने आसपास या किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देख रहे हैं जो कि आपके आसपास है या कहीं आपके अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में कोई व्यक्ति किराए पर या किसी भी प्रकार से आकर के अस्थायी रूप से निवास करने लगा है तो उस पर पूरी तरह से नज़र बनाए रखिएगा। जो कई बार फेरी लगाने वाले आते हैं ये कई बार फेरी के नाम पर आपके घर की रेकी और उस पूरे क्षेत्र की रेकी करके चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से इस दौरान जो अभी कानपुर में जो रेल दुर्घटना हुई है उसमें किसी आतंकी षड्यंत्र के होने की आशंका दिखाई दे रही है सुरक्षा एजेंसियों को और इस समय आप देख रहे हैं कि जो रेल दुर्घटनाएं हैं वो एक के बाद एक होती जा रही हैं। और जब से आपने विपक्ष को अधिक शक्ति दी है तब से ये घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी हैं। हमारा ये नहीं कहना है कि आप विपक्ष को शक्ति ना दें
लेकिन जिस दल को आपने इतनी बड़ी शक्ति दे दी है, उस दल का जो प्रधान व्यक्ति है, उसका ही जो पूरा व्यक्तित्व है वो बहुत संदिग्ध है। वैसे तो इस पूरे परिवार का पूरा व्यक्तित्व पूरी तरह से संदिग्ध है, लेकिन हम इसके लिए उस व्यक्ति या उस दल को दोष नहीं देते हैं। दोष हम आपको देते हैं कि ऐसे संदिग्ध व्यक्ति पर आपने देश के इतने बड़े 1.5 अरब लोगों की जीवन का पूरा भार सौंप दिया है, और ये जो लोग हैं ये तो स्वयं अपना विनाश करेंगे ही और साथ ही देश को भी ले डूबेंगे। देश विरोधी ताकतों ने जातियों में देश को बांटा है, धर्म में देश को बांटा है। अब यादव और मुस्लिम का एक नया संगठन बना है, एक पार्टी उसको लीड कर रही है, और यादव भाई ये सोच रहे हैं कि वो ऐसा करके उन्होंने बहुत बड़ी तीर मार लिया है। ये सब सबके सामने आने वाला है। देखिए यहाँ पर वही कहावत है कि हम तो डूबेंगे ही, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये दल अपने तो डूबेंगे ही और साथ ही इनको समर्थन करने वाले जो जनता है उसको भी ले डूबेंगे। आपका सावधान रहना बहुत आवश्यक है, हमारा सावधान करना आपको बहुत आवश्यक है। और जिन दर्शकों को ऐसे कार्यक्रम अच्छे नहीं लगते, कृपया वो कमेंट बॉक्स में आकर के अपना समय बर्बाद ना किया करें। हम जिनके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, किसी एक या दो दर्शक की आपत्ति के कारण हम इस कार्यक्रम को या इस चैनल पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम को बंद नहीं कर सकते। तो जिन्हें ये कार्यक्रम अच्छे नहीं लगते हैं, पकाऊ लगते हैं, बोरिंग लगते हैं, वो कहीं जा करके ऐसे एंटरटेनमेंट वाले चैनल देखें। बहुत सारे चैनल हैं, आप अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चुनाव करके आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आ करके हमें निरुत्साहित करें, हमारे दर्शकों को निरुत्साहित करें, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे हमने आप कमेंट बॉक्स जो है उसमें समीक्षा करके ही हम आपके कमेंट प्रकाशित करते हैं। तो ऐसे जो लोग जो बहुत एंटी कमेंट करते हैं वो पहले ही ये समझ जाएं कि उनके ये कमेंट सार्वजनिक नहीं होने वाले हैं, तो इसलिए भी वो लोग अपना समय व्यर्थ ना करें। और देश विरोधी तत्वों से आप बिल्कुल सावधान रहिए। आपके पड़ोस में भी कोई घटना हो सकती है, आपके शहर में और आपके देश में, आपके राज्य में, कहीं भी। आपको एक बार पुनः बता दें कि देश विरोधी शक्तियां इस समय पूरे देश में सक्रिय हो गई हैं। आंदोलन के नाम पर, क्रांति के नाम पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, तो रहिएगा सावधान। और साथ ही साथ काशीनाथ नारायण पंडित जी ने जो भविष्यवाणी की है, अब उनके ही मुख से, उनके ही शब्दों में आप सुन लीजिए। इसी के लिए हमने आपको ट्रांसक्रिप्शन दे दिया है, वो जो बोलते जा रहे हैं बिल्कुल वही चीज़ जो है बगल में आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। यदि आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप कार्यक्रम का ये भाग भी देखना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मैं काशीनाथ नारायण पंडित आपके सामने फिर से रांची क्षेत्र के अंदर जो घटना वो बनने वाली है, विशेष प्रकार की वो ऐसी घटना बनेगी कि जो राज्य के अंदर क्रांतिकारी नहीं पर विनाशकारी घटना का योग बन रहा है। इसलिए मैं ये भविष्यवाणी बहुत सूक्ष्म से बता रहा हूँ। राजकारण का ग्रह है सूर्य, और सूर्य जो ग्रह है वो ग्रह सिंह राशि में आया हुआ है। 16 अगस्त के दिन आता है, उसके सामने शनि आता है। तो ये शनि सूर्य जब ऐसे ग्रह बन जाते हैं तो राजकारण के अंदर जो सत्ता पर होते हैं उनके लिए बड़ा विनाश होता है, उनके लिए बड़ी समस्या आती है, उनके लिए षड्यंत्र बनते हैं, उनके नेताओं को खत्म करने के लिए षड्यंत्र बनते हैं, वो कई नेताओं की हत्या करने का भी प्रयास करते हैं। ये शनि सूर्य का ऐसा जो इतिहास में बना हुआ है, उन जिन नेताओं का सूर्य निर्भर होता है तो उनका भी पतन हो जाता है। तो इस तरह से हम बता रहे हैं कि ये योग है वो अभी भाजपा सरकार सारे भारत के अंदर अपना संरक्षण दल अच्छा रखे, सीमाओं पर अच्छा रखे, और आंतरिक भी गुंडे वगैरह आतंकवादी और कट्टरवादी इनके भी षड्यंत्र हो रहे हैं, ये सब अंदर से शुरू हो गया है। तो इस तरह से 16 अगस्त से ये बात शुरू हो गई है, और इसके बाद में मंगल राहु के भी जो गणित आते हैं वो भी उग्र बने हुए, उग्र बनने के कारण और भी बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होगा। तो देश के सीमा ऊपर भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। और एक बड़ी बात हम बताते हैं कि चीन वाले दगा करने वाला होता है, वो ढूंढता है उनके जासूस,
कि जहाँ बंदोबस्त नहीं होते वहाँ घूम जाते हैं, वहाँ घुसते हैं, और जब उनको मालूम है यहाँ बंदोबस्त है वो नहीं घूमते। यह हमारी सबसे बड़ी भविष्यवाणी है कि दगा न हो जाए, इसलिए संभालना है। और इस प्रकार हमारे लश्कर के जवानों को ध्यान रखना है कि एक जगह हम इकट्ठे वो दूसरे से घुस जाएगा, उसका ये षड्यंत्र बना हुआ है, उसे भी साबित होना है। ये सबसे दुनिया के अंदर आप देखोगे कि ऐसा अभी कुछ 4 महीने में चीन भारत के साथ ऐसा दुष्व्यवहार करने वाला है, कपट नीति करने वाला है, यानी हाथ मिलाएगा, बातें नहीं करेगी, दोस्ती हाथ और मुख पर प्रसन्नता रखेगा, और बाद में जहाँ बंदोबस्त घुस के बनेगा ये हमारा है। तो इसलिए जहाँ ऐसा प्रबंध नहीं है तो वहाँ प्रबंध करना पड़ेगा। और अभी जो कौमांडी सभी लोग विरोध पक्ष भी अब ये सरकार के ऊपर सब प्रकार के क्षति ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे कि भाई कहाँ कहाँ क्षति है, तो उसका भी जनता के सामने रखने का प्रयास होगा। तो इस तरह से ये 4 महीने जो है सत्ता वाले को इतना विपत्तिजनक है कि गृह प्रधान भी साबित है, क्योंकि ये गृह प्रधान साबित रहेंगे तो प्रबंध कर सकेंगे। इसलिए गृह प्रधान को भी हम के प्रधान को भी हम नम्रता से करवर्धा पर विनंती करते हैं कि अभी ये गुंडे मवाली और ये माफिया ड्रग्स वाले ये गुंडे हैं, ये भी देशद्रोही है, देश को बिगाड़ने वाले, अब इनको अकाउंट करना चाहिए। ऐसा निर्णय गृह प्रधान कर दे कि हमारे देश को तोड़ने के लिए जहाँ देखो वहाँ ड्रग निकलते हैं, वो ड्रग का कारक भी शुक्र होता है, वो भी बिगड़ रहा है, तो ये ड्रग वाले के लिए अकाउंट एंटर करना गृह प्रधान निर्णय करे, जरा भी संकोच न रखे, क्यों हमारे देश को प्रथम तरफ ले जा रहा है। हम ये बड़ी बात कर सत्ताधारी ने शनि सूर्य के साथ में ये योग बना है, तो इसको संकोच न रखे, क्योंकि वो ड्रग मिलता तो जला नहीं डालते, ये ड्रग कहाँ जाता है, ऐसी समस्या प्रजा में हो रही है। तो हम ये गृह प्रधान कहते हैं ये ड्रग वाले को अपने अपने राज्य के सबको अधिकार दे दो कि इनको एकाउंट कर दे, देश के जुआनों को बचा दे। ये भी एक बड़ी भविष्यवाणी आपके सामने आकर ये इसी तरह से जो कौभांड कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, ये भी भ्रष्टाचार जहाँ होता है वो खुला हो जाएगा। और एक ही बात है कि गृह प्रधान अपने देश के अंदर अपने राज्यों पर जो भी अंदर से षड्यंत्र हो रहा है तो गुप्तचर खाता बढ़ाना ही पड़ेगा। हमारा जो गुप्तचर खाता है वो जो उसकी समस्या है गुण रचना है उसको बढ़ाने पड़ेगी, तो यही ढूंढ के निकालेंगे। और इस प्रकार से सब प्रकार से हमला होता जाएगा, मगर इससे भाजपा पक्ष को थोड़ा सा हिंदा तो पड़ेगा, मगर प्रबंध हो जाएगा, ये हमारी भविष्यवाणी है।